हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। आज हम देखते हैं बैक्टीरिया का जनरल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है? तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा टॉक्सोमोनिकल, देन सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है मॉर्फोलॉजिकल। टॉक्सोमोनिकल मतलब उसके मीन्स होता है, टॉक्सन जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है अरेंजमेंट। एंड मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके जो कल्चर कैरेक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होता है उसको आइडेंटिफाई करना रहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका किंगडम। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली वो प्रोकैरियोट्स क्लास से किंगडम से बिलोंग करते हैं। देन इसका फाइलम जो होता है वो थाइलोफाइटा होता है। थाइलोफाइटा फाइलम के कैटेगरीज में ये बिलोंग करता है। इसका मतलब होता है इनहिबिट शो नो रूट नो लीफ और नो स्टीम, मतलब इसके अंदर लीव्स रूट एंड स्टीम्स लीव जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद इसके क्लासेस की बात करते हैं। तो क्लासेस के अकॉर्डिंग ये सिजोमाइसिटीज कैटेगरीज में से बिलोंग करता है। मतलब इसकी जो क्लास होती है वो सिजोमाइसिटीज होती है। सिजोमाइसिटीज का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एंड क्लोरोफिल अब्सेंट। और इसके ऑर्डर की बात करते हैं हम, तो ऑर्डर जो होता है इसका यू बैक्टीरियलिस की कैटेगरीज में जो बैक्टीरियाज आते हैं वो हमारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। देन आगे हम इसके एग्जांपल वगैरह देखते हैं। तो एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है वो हमारे इसके अंदर ये एलोंगेटेड होता है सेल टेंडें, इसकी जो टेंडेंसी होती है वो ब्रांचिंग होती है, मतलब ये ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया बैक्टीरियलिस, जो क्लेमाइडिया बैक्टीरियलिस जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, कलरलेस होते हैं, एल्गी लाइक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से एल्गी दिखाई देती है वैसे फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। देन मीजोबैक्टीरियलिस मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो स्लाइम होता है, बैक्टीरिया ऑक्सिबिट ग्रोथ मूवमेंट। देन स्पायरोचेटियासी, ठीक है, इसमें स्पायरल सिलेंडर एंड फ्लेक्सिबल सेल्स बॉडी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। आगे बात करते हैं हम इसके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको जनरली फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा कोकाई बेसिलाई, कोको बेसिलाई, विप्रियो स्पायरेला एंड फिलामेंटस। कोकाई जो होते हैं हमारे ओवल शेप्ड में प्रेजेंट होते हैं उसको हम कोकाई बोलते हैं। जो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो सिंगल कोकाई होता है, डबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसे हम डिप्लो कोकाई बोलते हैं। ठीक है, अगर चार कोकाई एक साथ प्रेजेंट होते हैं जिस तरह ये प्रेजेंट है टेटार्ड दिखाई दे रहा है उसको हम टेटार्ड बोलते हैं। चार फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो चेन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हम उसे चेन फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं। जो बंच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हम उसे स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं। ऐसे ही बेसिलाई होते हैं सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बेसिलाई जो होता है वो रोड शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, अगर रोड फॉर्म में दिखाई देता है तो हम उसको बेसिलाई बोलते हैं। ठीक है, बेसिलाई को के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे सिंगल बेसिलाई को हम मोनो बेसिलाई बोलते हैं, डबल फॉर्म में डाई या डिप्लो बेसिलाई, टेट्रा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, चेन फॉर्म में और स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम विब्रियो की। विब्रियो मतलब कि जो कोमा शेप्ड में प्रेजेंट होते हैं हम उसको बोलते हैं विब्रियो। इसका एग्जांपल है हमारा विब्रियो कोलेला। देन स्पायरेला, जो स्पायरेला होते हैं वो स्पायरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो होते हैं वो हमारे स्प्रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पैलेडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो स्प्रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देन फिलामेंटस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे रिबन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फिलामेंटस बोलते हैं। देन एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट या फिर चाइनीज लेटर में प्रेजेंट होते हैं, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम जो होते हैं इसका मोस्ट एग्जांपल है हमारा कोलाइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। जो कोलाइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो चाइनीज लेटर में एंड क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा।